नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। सिडकुल औद्योगिक संस्थान रुद्रपुर के एचपी कर्मचारियों का पिछले 70 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार की ओर से उनके धरने को लेकर लगातार अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते आज तमाम एचपी मजदूरों संघ कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर अनोखे अंदाज में थाली और चम्मच बजाकर सरकार को चेताया और कर्मचारियों को फिर से काम पर रखने की मांग की गई। इस दौरान कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं की गई तो तमाम कर्मचारी आंदोलन करने लगेंगे। वहीं हल्द्वानी में आज मजदूर संघ कर्मचारियों के समर्थन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी सड़कों पर उतरे और कर्मचारियों के इस अनोखे अंदाज में सरकार के खिलाफ रैली निकालते नजर आए। रुद्रपुर औद्योगिक संस्था सिडकुल के कर्मचारियों को लगभग जो है हल्द्वानी में श्रम आयुक्त में बैठे हुए लगभग 70 से 75 दिन हो चुके थे, लेकिन आज वर्तमान में देखते थे ठीक मेरे पीछे यहाँ सड़कों पर उतरकर जो है एचपी संघ के कर्मचारियों द्वारा जो है सड़कों पर थाली और चम्मच बजाकर जो है सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, सरकार को चेताने का काम कर रहे, देख सकते हैं हाथों में बैनर लेके एचपी मजदूर संघ सिडकुल पंतनगर के लोगों द्वारा जो है आज हल्द्वानी तिकोनिया से लेकर तमाम जो है यहाँ पे भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनके समर्थन में यहाँ पे वरिष्ठ कांग्रेस नेता के साथ साथ तमाम लोग जो है समर्थन में सड़कों पर उतर चुके हैं। हमारे बीच में आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ तमाम लोग हैं, इनसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि आखिर जो है आपसे जानना चाहेंगे कितना समय हो गया आपको यहाँ पे धरने में बैठे हुए। हमें यहाँ पर धरने में बैठे हुए डीएलसी में 70 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन कोई भी हमारी बात सुनने को राजी नहीं है, ना ये सरकार हमारी बात सुनी, ना शासन ना प्रशासन। और आज हमने ये थाली वाला प्रोग्राम करके इस सोई हुई गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए जो कुंभकर्ण की नींद में सोई है और जो कहती है कि युवा नेतृत्व, हम कहते हैं युवा नेतृत्व और युवा ही बेरोजगार। आज इतने बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं और ये कहते हैं हम 2 लाख रोजगार देंगे। जो रोजगार सिडकुल में था वो भी आज हमसे छिन गया। इतने कर्मचारी है जिन लोगों का कंपनी ने बाहर निकाल दिया, 500 कर्मचारियों को कंपनी ने बाहर कर दिया है और 200 कर्मचारी स्थायी रूप से जो काम कर रहे थे वो आज सड़कों पर आ चुके हैं। और धामी सरकार से हमने गुहार भी लगाई, लेकिन कोई हमारी गुहार सुनने को राजी नहीं है। धरातल पे कोई काम नहीं कर रहा है, आश्वासन सब देते हैं लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। और धरातल पे ये धामी सरकार धराशायी है और इसका नतीजा इस सरकार को 2022 के इलेक्शन में देखना होगा। बिल्कुल देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे लगातार जो है एचपी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा लगभग 70 दिन हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान में स्थिति देख सकते हैं सरकार को चेताने के लिए आज जो है तमाम चम्मच और थाली बजाकर जो है सरकार को चेता रहे हैं। इनके समर्थन में यहाँ पे कांग्रेस के तमाम जो है यहाँ पे लोग जो है मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे, लल्ला आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार जो है एचपी कंपनी के कर्मचारी है लगभग 70 दिन हो चुके हैं बैठे हुए, लेकिन सरकार किसी भी प्रकार की कोई सूद नहीं ले रही है, क्या लगता है आगे सरकार इनकी सूद लेगी? देखिए ऐसा है कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाली सरकार प्रति वर्ष 4 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर रही है और उत्तराखंड के अंदर तो 3 लोगों को मैंने पहले ही बोला रोजगार मिला हुआ है। एक त्रिवेंद्र सिंह रावत 4.5 साल की नौकरी करके निकल गए, ठीक है, उनको यही नहीं पता था सुबह कब होती थी शाम कब होती थी। दूसरे तीरथ सिंह रावत आए, उनको कब आए कब कब चले गए पता नहीं चला। तीसरे आए हैं वो लोग, वो घोषणाबाज मुख्यमंत्री बन करके रह गए। तो आप इस सरकार से, ये जो युवाओं का आप हुजूम देख रहे हो ना, आप वहाँ तक दिखाओ, ये वो एचपी के हैं लोग हैं। एचपी वो कंपनी है जो फायदे में गई है, फायदे वाली कंपनी को बंद कर रही है एचपी और इन लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि कितनी युवा द्रोही सरकार है ये। मुखर्जी जी आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से ओपनर कर्मचारियों की बात करें, ओपनर कर्मचारियों के बाद जो है एचपी कंपनी के जो कर्मचारी लोग हैं वो सड़कों में उतरे, कहीं ना कहीं आगामी 2022 में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए राज्य सरकार बिल्कुल युवाओं को रोजगार के मामले में जीरो साबित हुई है। आज देखिए सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पर युवा बैठा है, क्यों बैठा है, इनकी मांगे पूर्ण नहीं हो पा रही हैं और एचपी मजदूर संघ के साथ जो है बहुत ही अत्याचार हुआ है और इनकी मांगे हर हाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को माननी होंगी, अगर नहीं मानी तो ये राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बहुत ही निराशा है युवाओं में और रोजगार और कंपनी के श्रमों की मांगे न मानना उत्तराखंड के विकास में बहुत ही बाधक साबित हो रहा है।
देख सकते हैं तमाम यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे एचपी कंपनी के तमाम जो कर्मचारी लोग हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे थालियाँ और चम्मच बजाकर जो है सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। और लगातार 70 दिन हो चुके हैं इन लोगों को धरने में बैठे हुए, लेकिन वर्तमान में सरकार किसी भी प्रकार की कोई सूझ नहीं ले रही है। इन लोगों की मांग है कि अगर जल्द से जल्द सरकार जो है इन लोगों की मांग पूरी नहीं करती है तो आगे इनका उग्र आंदोलन जारी रहेगा। कैमरामैन दीपक तिवाड़ी के साथ मैं राकेश जोशी, हल्द्वानी। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।